हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेल वीएस एचपी, क्योंकि आप लोगों में से काफी लोगों ने हमसे पूछा है, बार बार पूछा है कि हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं, डेल लें या फिर एचपी लें, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। उन डिफरेंसेस को लेकर के हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन सा बेहतर होगा आपके लिए, आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, एचपी या फिर डेल। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है डेल वीएस एचपी। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि लोगों के अंदर काफी कंफ्यूजन है कि डेल एचपी से काफी महंगा है। तो ऐसा हुआ करता था, डेल एक्चुअली ये जितने भी ब्रांड हैं इन सब में, जो नॉर्मल ब्रांड इंडिया में मिलते हैं, इन सब में काफी महंगा हुआ करता था, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप डेल और एचपी को कंपेयर करें प्राइस के हिसाब से, तो अगर प्राइस में कोई भी डेल का मॉडल अगर महंगा है तो उसमें थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, उसके स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा मोड़ा अंतर जरूर होगा, नहीं तो प्राइस लगभग लगभग दोनों के सेम ही रहते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे, आज के रेट में अमेजोन पर चल करके देखें तो आप जैसे कि अगर देख पाएंगे, यहां पर हम 45,000 के लैपटॉप में अगर हम कंपेयर करें तो एक ये मॉडल है एचपी का 15DA1041TU। तो यहां पर सारी चीजें, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 15.6 इंच लैपटॉप का स्क्रीन साइज है, 8th जनरेशन i5 है, 8GB रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव है, विंडोज 10 है, 45,000 रुपए के रेंज में। वहीं पर अगर देखेंगे डेल को 45,000 के रेंज में अगर देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 15.6 इंच बिल्कुल स्पेसिफिकेशन जस्ट वही है, 8th जनरेशन i5 है, 8GB रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव है, विंडोज 10 है, और इसके अंदर प्लस भी आपको मिल रहा है, एमएस ऑफिस होम भी आपको मिलेगा इसके साथ में। इसका भी प्राइस जो है आपको 45,000 ही मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस बिल्कुल इक्वल है, स्पेसिफिकेशन दोनों का लगभग लगभग एक ही है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हैं, एचपी को थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, मान लीजिए 47,500 के रेंज में जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको प्लस हो जाएगा क्या, बाकी के स्पेसिफिकेशन आपको वही है, यहां पर मिल जाएगा एनवीडिया जियोफोर्स MX110 ग्राफिक, आपको मिल जाएगा 2GB, यहां पर एक्स्ट्रा आपको हो जा रहा है, यानी कि एडिटिंग्स वगैरह का काम है और आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये लैपटॉप चाहिए 47,500 रुपए में। और इसी पर्पस के लिए हम अगर ग्राफिक वाला ही लैपटॉप ढूंढे थोड़ा सा ऊपर जाकर के डेल में, तो जैसे कि डेल में अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको 49,000 रुपए में मिल रहा है। तो चूंकि इसके अंदर भी 2GB ग्राफिक मिल रहा है और इसके अंदर भी 2GB ग्राफिक मिल रहा है, और डेल थोड़ा सा यहां पर महंगा हो रहा है, क्योंकि आपका पिछला ये पड़ रहा है 47,500, ये पड़ रहा है आपको 49,000 रुपए, तो यानी 1,500 रुपए अगर यहां पर ये महंगा हुआ, तो इसके अंदर आपको 2TB हार्ड ड्राइव मिल रही है, पहले वाले के अंदर जो है आपको मिल रही थी 1TB हार्ड ड्राइव, तो ये आपको जो है यहां पर बेनिफिट हो, यानी कि अगर डेल ने थोड़ा सा पैसा बढ़ाया तो उसके जगह पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी दिया। तो कहने का मतलब एचपी और डेल दोनों जो ब्रांड चलते हैं, प्राइस वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे, जितने भी बिजनेस लैपटॉप है या फिर जितने भी जनरल पर्पज लैपटॉप है, ऑल इन वन लैपटॉप है, तो अगर हम इनका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर हम प्राइस देखेंगे तो वो लगभग लगभग आपको सिमिलर ही मिलेंगे। तो प्राइस में महंगा है डेल, ये बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, बिल्कुल बराबर बराबर प्राइस में ये लोग चलते हैं अपने स्पेसिफिकेशंस और मॉडल के हिसाब से। अब उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल वाइज, लुक वाइज। तो लुक वाइज अगर हम बात करें डेल का, डेल के जितने भी जनरल पर्पज लैपटॉप हैं मार्केट के अंदर, यानी कि 20,000 से लेकर के 50-60,000 तक के जो लैपटॉप हैं, ये सारे के सारे लैपटॉप ये लोग मॉडल वाइज यानी लुक वाइज थोड़ा सा बेसिक रखते हैं, थोड़ा बेसिक लैपटॉप हुआ करते हैं इनके, यानी मॉडल में बहुत सारे लुक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी ऊपर नीचे, लेकिन लुक वाइज लगभग लगभग सिमिलर नजर आते हैं। लेकिन एचपी के अंदर लुक वाइज बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, यही रीजन है कि लुक की वजह से डेल को छोड़कर के लोग एचपी में जाते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको डेल में रहना होगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर लुक वाइज अगर आपको चाहिए तो आपको स्पेसिफिकेशंस भी एचपी में मिल जाएंगे, लेकिन एचपी के अंदर
उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितना स्पेसिफिकेशन अलग अलग वेराइटीज आपको डेल प्रोवाइड करा देता है। लेकिन यहां पर एचपी में आपको लुक्स मिल जाता है, एक से एक मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको देखने में काफी अट्रैक्टिव नजर आएंगे। वहीं पर डेल थोड़ा सा भारी भरकम बड़ा सा ज्यादा बेजल वाला इस तरीके का मॉडल वो लोग लेकर के चलते हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एचपी से डेल थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में आगे है। यही रीजन है कि वो लोग वारंटी ज्यादा से ज्यादा एचपी से भी कहीं ना कहीं ज्यादा वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस की, तो सर्विस के लिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एचपी से बेस्ट डेल है, क्योंकि डेल ने काफी पहले से अच्छा नाम कमाया हुआ है। पहले की अगर बात करें कुछ साल पहले की, तो एचपी से कहीं ना कहीं बेटर जो सर्विस थी आफ्टर सेल सर्विस वो डेल की हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में एचपी ने काफी अच्छा संभाल रखा है, आपको सर्विस अच्छी मिल जाएगी चाहे आप डेल लें या फिर एचपी लें, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर देखा जाए तो आपको स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको जिसमें जो मॉडल मिल जाए आपको ले लेना चाहिए। लुक वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज आपको दोनों में से जो पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। दोनों ही बेस्ट है, दोनों की सर्विस बेस्ट है, दोनों का प्राइस लगभग लगभग सिमिलर है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट पे बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जरूर शेयर करते रहें इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने फेसबुक ग्रुप में, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारे कंफ्यूजन दोस्तों को रहती है जो सभी लोगों को पता लगना चाहिए। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो हमारे अच्छे व्यूअर्स हैं परमानेंट वीडियोस को देखते हैं, प्लीज एक सेकेंड भी नहीं लगता है, आप प्लीज लाइक कर दिया करें। आपका लाइक ही हमारे लिए सपोर्ट होता है, आप लोग प्यार करते हैं इतना, लगातार वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, वीडियोस को सपोर्ट मिलता है, प्रमोशन मिलता है, यही आप लोगों के तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होता है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।